आई थिंक गजोधर को सबने प्यार दिया है जी भर के, इसीलिए उस मालिक ने हमारी सुन ली और फिल्म हिट हो गई। गजोधर इज वेरी हैप्पी, वी ऑल वेरी हैप्पी। इट वाज इट्स लाइक द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर अस बिकॉज हिज पापा इज 50 इयर्स इन द इंडस्ट्री एंड वी वांटेड टू मेक अ ग्रेट फिल्म विद हिम एंड वी अचीव दैट एंड पीपल लव्ड इट एंड व्हाट मोर कैन आई से। इट्स जस्ट दैट I can't get a smile off my face. I'm so happy. I think it feels great because we wanted this film to work really very badly and I'm feeling on top of the world and watch out now, we are there and we're going to do a lot of great stuff. My main is because it's a family story with full of comedy, emotions, music bhi acha hai, bacche bhi dekh rahe hain, families aa rahi hain. Jab families aana shuru karte hain to film hit hoti hai. और फैमिली तभी आती हैं जब उसमें इमोशन हो और कॉमेडी भी हो साथ में। इमोशन दो तीन सीन ऐसे हैं जो लोगों के मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट टीयर जर्किंग। या वी विल बी डूइंग अ सीक्वल बट व्हेन एंड हाउ एंड हु दैट वी आर नॉट डेफिनेटली आई मीन पिन पॉइंटेड एट द मोमेंट बट शुड रिलीज इट समवेयर मिड नेक्स्ट ईयर। हैव टू मेक प्रतिज्ञा सम टाइम नॉट विद मी विद सनी और बॉबी देन चुपके चुपके से अनदर गुड फिल्म। खैर मेरा गांव मेरा देश और शोले तो एक जैसी है, उस पर भी कुछ बन सकता है, देखेंगे क्या। अभी नया नया सोचना चाहिए ना, क्यों पुरानी को लेके कैसे। अभी आजकल सीक्वल का ज़माना आ गया है तो सोच रहे हैं कि इसके आगे हम कुछ और अच्छी कहानी बना के। आपने देखा ना कि गजोधर और उसका बाप दोनों हरामी लोग हैं, खूब मस्ती करते हैं, तो कैरेक्टर्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे। I just believe that we took 3 years to come back again together. And it's all about the script, and I mean definitely we would love to take the advantage of making a sequel, but we're not going to rush into it because eventually it's a script that works. And YPD was enjoyed by people not just because the deals were in it, but because people enjoyed the movie. So it depends how long it takes to write a good script, and I don't know how long that would take. We have always made films with families ever since we started off from Betab. So it's nothing new. We've always been together. It's just that now, I mean, earlier on we did films where there was Bobby and me. There was a film with all three of us. So it's no new trend. It is all there. Everybody has been doing it. मैं आप भी आज भी कह देता हूँ ये सब उस मालिक की मेहर है और फिल्म देखने वालों को उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका पहुंचता कैसे इस मकाम को। वी हैव जस्ट इसी वी वर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट इट बिफोर वी वर व्हेन इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस फिल्म बट नाउ वी हैव टू रियली सेट डाउन एंड लुक इनटू द बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स आर देयर व्हिच ऑल पीपल हैव लव्ड देम एंड डेफिनेटली वी वांट ऑल द कैरेक्टर्स टू बी देयर। इट्स जस्ट वीविंग अ ग्रेट स्क्रिप्ट अराउंड इट एंड I don't think that should be difficult. Hopefully, in another 3-4 months, we should have something with us. मेरे छोटे बेटे का नाम धर्म है, तो मेरे लिए बहुत आसान था कि धर्म वर्ड यूज़ करने में, तो इसीलिए। और पापा को मैंने कभी धर्म नाम से पुकारा नहीं है, हमेशा पापा बुलाया है, तो मेरे लिए उनका नाम पापा है, धर्म नहीं। देख बच्चे, हम कंपटीशन के हिसाब से कभी मैं चला नहीं, जो मेरा दिल कहता है वो मैं करता हूँ और ठीक हो जाता है दिल की बात तो हिट हो जाती है। तो वो मुन्नी अपनी जगह सब हिट है और हम दुआ करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिश करे तो हम सब फ्लरिश करेंगे।